नमस्कार बच्चों, आज हम दादी अम्मा की रसोई, हिंदी में दादी अम्मा की रसोई यह पाठ सीखने जा रहे हैं। देखो, समझो और बताओ। दादी अम्मा की रसोई। अम्मा: विट्ठल, मुस्कान आ गई, तुम दोनों आ गए, तुम दोनों। मुस्कान: हाँ अम्मा, प्रवीण और हर्ष भी हमारे साथ थे। विट्ठल: आज इफ्तिकार और अश्विन के साथ कबड्डी में आनंद आया। अम्मा: अच्छा, मैं सब्जी काट रही हूँ, खाना बनाने में थोड़ा समय लगेगा। विट्ठल: जी अम्मा, तब तक हमें भुट्टा और डिब्बे में रखे लड्डू दे दो। अम्मा: हाँ, ले लो ना, मैं चूल्हे पर कद्दू की सब्जी और भाकरी बनाती हूँ। मुस्कान: मुझे चटनी भी चाहिए अम्मा। अम्मा: मुस्कान, सिल बत्ते पर चटनी कल बनाऊंगी। विट्ठल: मैंने ड्रम के पास रखे घड़े से पानी ले लिया। अम्मा: मुस्कान, घड़े का ढक्कन ठीक से रखना। बच्चों, भरपेट खाना खाकर अपनी पढ़ाई करो। तो बच्चों, इस पाठ में हमें दादी अम्मा अपने दो पोता पोती से बात करते हैं। ये है विट्ठल और ये है मुस्कान। ये दोनों बच्चे खेल खेल के शाम को घर वापस आते हैं और दादी अम्मा से कहते हैं जो उन्होंने खेला, उनके साथ कौन कौन बच्चे आए, वो उसका वर्णन करते हैं। और फिर दादी अम्मा उन्हें समझाती है कि सब्जी काट रही हूँ और थोड़ी समय में खाना बनेगा। तब बच्चे कहते हैं कि दादी अम्मा, फिर हमें भुट्टा और डिब्बे में रखे लड्डू ले दे दो। तो मुस्कान कहती है, दादी अम्मा मुझे चटनी भी चाहिए। तो दादी अम्मा कहती है कि मैं कल बनाऊंगी सिलबत्ते पर। तब विट्ठल कहता है कि ड्रम के पास रखे घड़े, देखो ड्रम के पास रखे घड़े से विट्ठल ने पानी ले लिया। तो दादी अम्मा उन्हें समझाती है कि पानी के ढक्कन को बराबर से ढाक दो, पानी के बर्तन पर जो ढक्कन ढाके लाए वो बराबर से ढाक दो ताकि उसमें कुछ गिर नहीं जाए। और फिर वो कहती है कि बच्चों, भरपेट खाना खाओ और फिर अपनी पढ़ाई करो। धन्यवाद बच्चों।